Hi students, good morning to all of you. मैं आज दोस्त सागर आप सभी को जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं तो जितने भी लोग जो 12वीं के परीक्षा देने वाले हैं उन सबके भविष्य को लेकर इस विकट रूपी कोरोना वायरस के चलते कोरोना वायरस के कारण जो हम सब पर विकट आई है उसको देखते हुए मैं आप सभी को 12वीं का 12th का अलजेब्रा का पहला टॉपिक जो कि मैट्रिक्स बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अलजेब्रा में 12th क्लास में हम लोगों को दो टॉपिक पढ़ना है, एक मैट्रिक्स और एक डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं आज। और मैट्रिक्स मतलब कहने का मतलब जब मैट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे और मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे तभी जाकर हम लोग डिटरमिनेंट के बारे में जानेंगे। तो ये मैट्रिसेस जो है, अगर अलजेब्रा की बात करें 12th में, तो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट दोनों चैप्टर अलजेब्रा के अंदर में आता है और दोनों को मिलाकर बोर्ड 12वीं बोर्ड एग्जाम में 13 मार्क्स की पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम मैट्रिसेस का एप्लीकेशन बताते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब ये कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं। तो इसका एप्लीकेशन की बात किया जाए तो मैट्रिसेस का एप्लीकेशन मतलब मैट्रिसेस को आप रिसर्च के लिए इस्तेमाल, मतलब इसका मैथमेटिक्स के ब्रांच में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है इसका। रिसर्च के बारे रिसर्च हो उसमें भी मैट्रिसेस की जरूरत पड़ती है। प्रोबेबिलिटी अगर आप पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी उसमें भी जरूरत पड़ेगी। अगर स्टैटिस्टिक्स के बारे में आप जानते हैं आगे चलकर भी तो उसमें भी पड़ेगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग शॉर्टकट में सब बता रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ईई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, जेनेटिक्स हो या फिर सोशियोलॉजी हो, एटीसी माने बहुत सारे में यूज इसका पड़ेगा मैट्रिक्स का। लेकिन हम पहले ये बता दें कि ये जो मैट्रिसेज है इस मैट्रिसेज के अंदर जो हम लोग और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे उस सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस। अगर दो दो वेरिएबल तीन तीन वेरिएबल एक्स वाई जेड का दे दे और लगे दिक्कत हो बनाने में तो एक मैट्रिक्स ऐसा टॉपिक है जिसको हम आसानी से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे हम आगे एग्जांपल लेकर भी बताएंगे। तो सबसे पहले मैं एक आपको ठेठ एग्जांपल लेते हैं कि अच्छा मैट्रिक्स की जरूरत क्या पड़ी थी, क्यों पड़ी थी और मैट्रिक्स कहते किसको है। तो मान लीजिए कि कोई गेम होता है, कोई गेम खेलता है जिसमें इंडिया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और उस गेम में कोई गोल्ड मेडलिस्ट होता है, कोई सिल्वर होता है और कोई ब्रोंज होता है। मान लेते हैं कि गोल्ड में इंडिया के पास 35, सिल्वर में 63, ब्रोंज में मान लेते हैं 32, इंग्लैंड के पास मान लेते हैं गोल्ड है 18 सिल्वर मान लेते हैं 23 और ब्रोंज मान लेते हैं 24। ऑस्ट्रेलिया का अगर बात करते हैं तो इसका भी मान लेते हैं कि 33, 26 और ये 24। अगर हम इस चीज को ऐसे न लिखकर अगर ब्रीफ में एक्सप्रेस करते हैं तो हम इस प्रकार से अगर इसको कर देते हैं 35, 63,
32, 18, 23, 24, 33, 26, 24। बिग ब्रैकेट से दोनों और इनक्लोज कर दिए, या फिर दोनों और स्मॉल ब्रैकेट से ले लेते हैं, 35, 63, 32, 18, 23, 24, 33, 26, 24। तो इसी चीज को हम इस प्रकार से अरेंज कर दिए, ब्रीफली अरेंज कर दिए, और हम आगे चलकर यही पढ़ेंगे कि इसी अरेंजमेंट को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन अभी उतना हम चिंता न कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेते हैं। इसको कैसे हम लोग सजाएं? तो तीन हॉरिजॉन्टल लाइन है, पहला हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन, तीसरा हॉरिजॉन्टल लाइन। ये सब ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। और ये जो सीधा खड़ा है इसको हम क्या कह सकते हैं? वर्टिकल लाइन। इसको हम क्या कहेंगे? वर्टिकल लाइन। इसको हम क्या कहेंगे? वर्टिकल लाइन। यानी हमारे पास तीन हॉरिजॉन्टल लाइन और तीन वर्टिकल लाइन है। अगर इसमें भी बात करते हैं तो दोनों चीज एक ही है, या तो बिग ब्रैकेट से इसको सजाइए या चाहे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में सजाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से कोई, दोनों सही है, जिसको मन है वो आप यूज कर सकते हैं। इसमें भी हम देख रहे हैं तो तीन गो हॉरिजॉन्टल लाइन, एक दो तीन, और तीन गो वर्टिकल लाइन, एक दो तीन। अगर मेरे पास एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं मेरे पास दिया हुआ है एक एग्जांपल, अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, x प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड बराबर 11, और एक क्या एग्जांपल लेते हैं, 2x माइनस वाई माइनस जेड बराबर -3, ठीक है। 3x प्लस 4y प्लस 2z बराबर 17। अच्छा ये बात बताइए आप लोग कि ये चीज जो मेरे सामने आया है ये किस टाइप का है? तो लीनियर इक्वेशन, थ्री वेरिएबल दिख रहा है, एक दो तीन। अगर इस चीज को भी हम अरेंज कर रहे हैं, अगर एक्स वाई जेड के कोफिशियंट को हम अरेंज करना चाहते हैं तो इस रूप में कैसे अरेंज कर दे रहे हैं? देखिए तो एक दो तीन, दो माइनस एक तीन, माइनस एक माइनस एक। एक्स का कोफिशियंट एक, वाई का कोफिशियंट दो, जेड का कोफिशियंट तीन, एक्स का यहाँ दो, वाई का -1, जेड का -1, एक्स का तीन, वाई का चार है यहाँ पर, वाई का चार, जेड का टू। मतलब इस चीज को हम अरेंज इस प्रकार से कर सकते हैं, मैंने इस ब्रैकेट के अंदर करें चाहे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर करें। तब आगे अब हम बता रहे हैं कि इसी अरेंजमेंट को, इस नंबर्स के रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का ही एक स्पेशल नाम दे दिए बाबू हम लोग, क्या? मैट्रिक्स के रूप में चलेंगे। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रो कहेंगे, जिसको कैपिटल आर से शॉर्टकट में हम दिखा सकते हैं, और वर्टिकल लाइन को कॉलम कहेंगे, जिसे हम कैपिटल सी से कह सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा गया इसमें कितना रो हो गया, रो नंबर एक, रो नंबर दो और रो नंबर तीन। अगर कॉलम की बात की जाए तो ये कॉलम हो गया कॉलम नंबर एक, कॉलम नंबर दो और कॉलम नंबर तीन। यानी कितने रो हो गए? तीन रो हो गए, और कॉलम कितने हो गए? तीन कॉलम हो गए। इसी अरेंजमेंट को
हम लोग क्या नाम देंगे, एक स्पेशल नाम दिया गया और उसको कहा गया क्या, मैट्रिक्स। यानी आप कह सकते हैं मैट्रिक्स का पहला पॉइंट, मैट्रिक्स के बारे में बोलते हैं, ये तो अभी आप लोग समझ गए हैं कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, उसको भी हम इस प्रकार से सजा दिए, चाहे ये सजा दिए तो कुछ नहीं, इस सजाना ही एक क्या है, तो एक मैट्रिक्स है। किस रूप में लेकिन समझाना है, रेक्टेंगुलर रूप में समझाए सजाओ। तो क्या रेक्टेंगुलर का मतलब स्क्वायर नहीं हो सकता है क्या? अगर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट है रो और कॉलम में तो स्क्वायर रूप ले लेगा। रेक्टेंगुलर कहने का मतलब यह नहीं कि हमेशा रेक्टेंगल में ही होगा, शेप एक टाइप का रेक्टेंगुलर मैं बोल रहा हूं कि शेप रेक्टेंगुलर दिया जा रहा है। तो मैट्रिक्स का यदि हम बात करें बाबू, तो ये कह सकते हैं कि ये क्या है, तो इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, कह दीजिए अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन अलोंग रो एंड कॉलम। मतलब रो और कॉलम के अलोंग में किसी नंबर्स को या फंक्शन को रेक्टेंगुलर रूप में अरेंज कर देना ही क्या है, तो मैट्रिक्स है। एक बात कहते हैं, जैसे मान लेते हैं मैट्रिक्स, अगर अभी एक और एग्जांपल देंगे इसके बाद ये बताएंगे। रो मतलब और कॉलम तो समझ ही गए कि रो माने हॉरिजॉन्टल लाइन, रो हॉरिजॉन्टल लाइन और कॉलम क्या हो गया, वर्टिकल लाइन। देखिए केवल सजा देना ही मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, इसका नाम पूरी तरह से मैट्रिक्स देने के लिए इसका ऑर्डर भी लिखना पड़ेगा। अब ऑर्डर क्या होता है ये देखिए, पॉइंट नंबर दो हम बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इट हैज एम रोज एंड एन कॉलम्स, देन ऑर्डर क्या हो जाएगा जी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, एम क्रॉस एन। जैसे मान लेते हैं, हम मान लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऊपर वाला ही हम लिखते हैं, एक दो तीन, दो -1 -1, तीन चार दो, हो गया। अब यहां सबसे पहले ऑर्डर यहां पर लिखा जाता है, इस जगह पर ऑर्डर लिखा जाता है। और ऑर्डर लिखने का एक तरीका यह है कि पहले हम रो लिखेंगे और बाद में कॉलम लिखेंगे। तो मेरे पास रो कितना है, एक दो तीन, यानी तीन रो हो गया, क्रॉस कॉलम कितना है, एक दो तीन, तो तीन क्या हो गया जी, कॉलम। यानी 3x3 का ये मैट्रिक्स है कोई, तब इसको क्या कहेंगे कि इट इज मैट्रिक्स। क्यों मैट्रिक्स है जी, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। किस चीज की रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, नंबर्स की। नंबर्स में कोई भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, मतलब जो कुछ भी हो सकता है, या फिर फंक्शन का भी बोल सकते हैं। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, रो के लॉन्ग और कॉलम के लॉन्ग। लेकिन इस मैट्रिक्स को कंप्लीट रूप से कब कहेंगे, जब ये ऑर्डर लिखाएगा, इसी को ऑर्डर कहा जाता है, ये ऑर्डर लिखेंगे। अब ये पूरा कंप्लीट हुआ और हम इसको कहेंगे कि इट इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, चाहे केवल बोल सकते हैं, केवल ऑर्डर 3 भी कहें और कह सकते हैं ऑर्डर 3, मतलब 3x3 कहो या फिर 3 कह दो, क्योंकि रो जितना है उतना ही कॉलम है, इसलिए ऑर्डर 3 भी कह दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यही मान लेते हैं, पॉइंट बी इसी में बताते हैं, दूसरे में बी बताते हैं पॉइंट, कि मान लेते हैं कि किसी का ऑर्डर मान लो दिया हुआ है 3x2, तो ये ऑर्डर 3x2, इसका मतलब 3 रो की संख्या 3 है
और कॉलम की संख्या दो है। एग्जाम्पल जैसे जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं साइन एक्स जीरो, कॉलम दो से ज्यादा नहीं चाहिए, जीरो वन कॉस एक्स फिर साइन एक्स माइनस साइन एक्स जो बोलना है। अब बताइए कितना ऑर्डर हुआ, तो तीन बाय दो का, क्लियर बात। अब हम एक और चीज इसमें सी पॉइंट बताते हैं कि बाबू जब नंबर ऑफ एलिमेंट अगर दिया है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे तो कुछ नहीं, प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर, प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर का प्रोडक्ट कर दो। जैसे ऑर्डर यदि ऑर्डर तीन बाई दो का है, तीन बाई दो ऑर्डर है, तो इसमें एलिमेंट की नंबर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, तो तीन दूनी छह, देख लिए एक दो तीन चार पांच छह। तो कहने का मतलब कि यदि ऑर्डर का ऑर्डर दे दे तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट बता सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जब एलिमेंट दे दिया है तो ऑर्डर क्या होगा। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं कि इफ ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हैज सिक्स एलिमेंट देन पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा जी, छह गो एलिमेंट को कैसे कैसे आप अरेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि पहले छह गो एलिमेंट का फैक्टर निकाल लीजिएगा। तो इसका फैक्टर क्या होगा, एक क्रॉस छ हो सकता है या छ क्रॉस एक भी हो सकता है, दो क्रॉस तीन भी हो सकता है, चाहे तीन क्रॉस दो भी हो सकता है, और कोई। तो फिर इसका ऑर्डर क्या क्या हो गया जी, कितने ऑर्डर इसका पॉसिबल हो गया, एक दो तीन चार, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर टोटल कितना हो गया, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो गया चार, एक ऑर्डर एक बाई छ का, फिर छ बाई एक का, फिर दो बाई तीन का, फिर तीन बाई दो का, यानी जिस मैट्रिक्स के पास छह एलिमेंट है उसके कितने ऑर्डर बन सकते हैं, चार ऑर्डर। एक बाई छ का भी मैट्रिक्स हो सकता है, छ बाई एक का भी मैट्रिक्स हो सकता है, दो बाई तीन का भी हो सकता है, और तीन बाई दो का भी हो सकता है, मैंने जितना इसका फैक्टर पॉसिबल, अगर आगे भी पॉसिबल रहता तो भी कह सकते हैं। मान लेते 16 एलिमेंट रहता, मान लीजिए 16 एलिमेंट है, एलिमेंट की संख्या 16 है, तो क्या क्या हो सकता था, एक बाई सोलह का बना सकते थे, माने एगो रो और 16 गो कॉलम, चाहे 16 बाई एक का भी बना सकते थे, चाहे 2 बाई 8 का बना सकते हैं, 2 गो रो 8 गो कॉलम, या फिर 8 गो रो और 2 गो कॉलम, या फिर ये भी कह सकते हैं कि 4 बाई 4 का बना सकते हैं, और कोई, और जो भी, मतलब जहां जहां जो फैक्टर होगा वो सब बता सकते हैं। तो मुख्यतः रूप से आप लोग ये समझे होंगे अभी तक कि मैट्रिक्स क्या है, तो एक टाइप से संख्या को या किसी फंक्शन को रो और कॉलम के अलोंग में अरेंज कर देना, सजा देना, इसी को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग कहते हैं कि इट इज कॉमनली डिनोटेड बाई, पहले ही बता भी दिए हैं लेकिन लिख भी दे रहे हैं, इट इज कॉमनली डिनोटेड बाई किस साइन से डिनोट कर सकते हैं, ये कैपिटल दोनों ब्रैकेट या फिर स्मॉल ब्रैकेट से। मैट्रिक्स को फोर्थ पॉइंट हम लेते हैं, मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर्स मैट्रिक्स लेटर्स, जैसे ए बी सी इटी सी। अब ये क्या है मैट्रिक्स डिनोटेड बाई, जब ये हम बोल दिए कि इस चीज से डिनोट करना है तो फिर कैपिटल लेटर क्या। देखो जी, ए मैट्रिक्स के मतलब एलिमेंट को हम इस ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, लेकिन यदि स्पेशल एक नाम देना होगा तो हम क्या देंगे, कुछ ए। जैसे मान लेते हैं कि आप ही लोग
माने पूरे जितने भी विद्यार्थी आते हैं वो तो विद्यार्थी, आप जैसे आप हो गए, किसी का भी नाम लेते हैं वो सब के सब क्या पढ़ते हैं, तो मैथ पढ़ते हैं। लेकिन किसके स्टूडेंट है तो पर्सनली एक नाम देना पड़ेगा ना कि इंस्पायर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है। तो उसी तरह से आप सब तो इस रूम के अंदर ही पढ़ रहे हैं, लेकिन किससे पढ़ रहे हैं। तो जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ये कोई मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स का यहाँ पर ऑर्डर, तो इस मैट्रिक्स को हमें कैपिटल नाम से दे दिया और क्या कह दिया, ए, यानी मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए कौन कौन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मान लेते हैं एक और नाम मैट्रिक्स बी, साइन एक्स 0 1, कॉस एक्स 3 टेन एक्स। अब ये हो गया इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो 2 गो रो और 3 गो कॉलम। तो ये नाम से ही ना अलग अलग पहचान में आया कि ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है। अगर मान लेते हैं हाँ, और ये दोनों इस ब्रैकेट के अंदर में जो है, इस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस चीज को हम एलिमेंट कहते हैं। क्या कहेंगे, एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ। केवल तीन को ही नहीं कहेंगे, एक भी है मैट्रिक्स का एलिमेंट, 2 भी है 4 भी है 5 भी है 6 भी है 7 भी है 8 भी है 9, यानी कितने एलिमेंट हो गए, पूरे एलिमेंट कितने हो गए, तो जो ऑर्डर है तितिरी का 9 एलिमेंट हो गए। ठीक है, तो हमने तो ये बोला कि मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, लेकिन मैट्रिक्स के एलिमेंट को कैसे डिनोट करेंगे, तो ये देखिए, इट इज मैट्रिक्स इज जनरली डिनोटेड बाय जनरल फॉर्म में, जनरली डिनोटेड बाय जनरल फॉर्म में, इसका इसका जनरल फॉर्म कह दीजिए, जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्म बोलिए, जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल ए हो गया, और इसके एलिमेंट को ए आई जे एम क्रॉस एन, मतलब कि एम रो और एन क्या चीज कॉलम, कॉलम, और ए क्या है, ए आई जे क्या कहेंगे जी, एलिमेंट ऑफ आई थ्रो एंड जेड कॉलम, आई रो और जे कॉलम। ये समझ में नहीं आया, एक से मान लो हमने ए एक मैट्रिक्स लिया, इसके अंदर में हमने 1 2 3 रखे, 0 रखे, 4 रखे, 5 रखे, 6 रखे, 7 रखे, 8 रखे। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया बाबू, 3 बाय 3 का। अब यदि मुझे इस पर्सनली एक को बुलाना होगा तो एक को क्या कहेंगे, तो एक किस रो में है, रो नंबर 1 में, ये हो गया रो नंबर 2 और ये हो गया रो नंबर 3, ये वाला चीज हो गया कॉलम नंबर, ये मैंने पूरा, ये कॉलम नंबर 2, ये हो गया कॉलम नंबर 3। ठीक है, अब मैं देखता हूं 1 क्या है, तो 1 एलिमेंट है, तो एलिमेंट को हमेशा क्या चीज से डिनोट करेंगे, स्मॉल ए से, स्मॉल ए से। लेकिन अब देखिए एलिमेंट में ये सब एलिमेंट है, तो एक का पोजीशन क्या है जी, तो एक जोन है पहला रो में है, देखिए रो नंबर 1, तो सबसे पहले रो लिखते हैं, पहला रो में है, कॉलम नंबर कै में है, वो 1 में, तो इसको क्या बोलेंगे, A11, यानी तब क्या बोलेंगे, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अच्छा चलिए उठाते हैं हम 4 को, जब 4 को उठाएं तो देखे पहला रो 4 कहां है भाई, दूसरा रो में, तो दूसरा रो में तो पहले दूसरा रो लिख दिए, लेकिन कॉलम में आइए, है खड़ा वाला कॉलम है, तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम, यानी किस कॉलम में है, कॉलम नंबर 2 में है, तो इसको क्या कहेंगे,
एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। कितने भी एलिमेंट हो, अगर हम मुझे उस एलिमेंट को सजाना है तो सजाने के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे छठा पॉइंट हम आपको दिखा रहे हैं, कोई मैट्रिक्स ले लिए ए, बड़ा बड़ा सा लेते हैं, बड़ा बड़ा लेते हैं, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, डॉट 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 ए वन एन, फिर ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, डॉट 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 क्या लिख दिया जी, ए टू एन, फिर ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, डॉट 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 ए थ्री एन, फिर ऐसे ही डॉट 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 ए एम वन, डॉट 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 ए एम टू, डॉट 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 ए एम थ्री, डॉट 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 ए एम एन। मतलब ये हो गया क्या ची, कॉलम एक दो, कॉलम बाद वाला, तो बाद वाला कॉलम तो लास्ट कॉलम कहां कर रहा है, एन भी, पहले वाला को क्या बोलते हैं, पहले वाला को रो, रो कहां लास्ट कर रहा है, एम भी, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, एम क्रॉस एन। एम क्रॉस एन कहने के मतलब आपको जितना मन है उतना ले लीजिए, एम कोई नंबर को डिनोट कर रहा है, आपको जितना मन है, तीन गो रो लेने को मन है तो तीन गो रो लीजिए, चार गो रो लेने को मन है चार गो, पचास गो रो लेने को मन है पचास गो, आपके पास जितना लेने को एग्जाम्पल लेने के लिए मन है ले लीजिए। लेकिन ज्यादा चांस होती है हम लोगों को अगर लेव ट्वेल्व तक पढ़नी है, लास्टली तीन गो पढ़ना है, ग्रेजुएशन में चलेंगे तो ग्रेजुएशन में चार चार गो हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन ट्वेल्व तक के लिए तीन हम लोगों के लिए काफी है। तीन एलिमेंट को लेंगे, तीन बाई दो हो, दो बाई तीन हो, तीन बाई तीन हो, ठीक है, लेना है अपना ये लेके, तो ए वन वन मतलब एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट हो गया, ये ए वन टू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हो गया, ए वन थ्री फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो गया। अच्छा अब यहां पर आते हैं कि अगर अगर मान लेते हैं कि एन और एम दोनों बराबर हो जाए, दोनों बराबर है, जितना रो उतना ही कॉलम हो जाए, नंबर ऑफ एन कॉलम ना, मान लो नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाता है किसका जी, तो नंबर ऑफ रो का, जब दोनों आपस में बराबर हो गया तब तो कहेंगे कि भाई ये किस शेप में है, वो तेज स्क्वायर शेप, किस शेप में है, स्क्वायर शेप में है, ठीक है। अब यहां देखिए, अगर एलिमेंट को तो हम ए आई जे से डिनोट करते हैं, तो ए आई जे जो एलिमेंट है, ए आई जे किसको डिनोट करते हैं, एलिमेंट को, सारे ए आई जे को प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कहेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कहेंगे, लेकिन कब, इफ आई बराबर जे हो, जैसे आई बराबर जे माने जय गो रो तय गो कॉलम, जैसे ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री, ए फोर फोर, डॉट डॉट डॉट। तो ए वन वन कौन आ रहा है जी, देखिए ये वाला, ये वन वन आया ना, ये हो गया, टू टू हो गया, थ्री थ्री हो गया, मतलब इसी प्रकार से ये जाएगा। और हमने यहां कहीं दिया क्या कि एन और एम यदि दोनों आपस में बराबर है, यानी जय गुरु ये जितना है उतना ही ये है, मतलब ये सारा का सारा जो क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, डायगोनल मतलब कि जिस रो में हो उसी कॉलम में हो। यहां देखिए ना, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, चौथा रो चौथा कॉलम, पांचवा रो पांचवा कॉलम, छठा रो छठा कॉलम, तो जिस रो में हो अगर उसी कॉलम में है तो उसको हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। लेकिन याद रहे ये एम और एन कब लिए हैं, जब तीन तीन, दो दो, एक एक, यानी जब एन और एम दोनों आपस में होगा
तभी ये प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर आएगा। अगर एन और एम दोनों आपस में नहीं आएगा तो प्रिंसिपल डायगोनल नहीं होगा। ये सब भी हम क्या कर रहे हैं, ये सब ये जितना है मतलब यहां इसके ऊपर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर, ये प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर ये जितना भी एलिमेंट है, जितना भी एलिमेंट है आप इसमें ये देखते होंगे, इस सब एलिमेंट को ए आई जे कह देंगे, लेकिन इस सब एलिमेंट में कॉलम बड़ा हो रहा है। देखिए पहला रो दूसरा कॉलम, तो कॉलम बड़ा बाकी रो कॉलम, ए वन थ्री तो कौन बड़ा है, थ्री है ना बड़ा है जी, ए टू थ्री तो कौन बड़ा है, थ्री बड़ा है। उसी तरह ए थ्री फोर आता है यहां पर, क्योंकि थ्री थ्री तो यहां हो गया, थ्री फोर आता तो कौन बड़ा होता। तो मतलब ये ऊपर वाला ए आई जे में प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर साइड में कॉलम बड़ा होता है, और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे यहां पर ये जो हो गया, यहां पर कौन बड़ा हो रहा है, ये सब भी ए आई जे ही एलिमेंट कहेंगे, एलिमेंट को डिनोट करेंगे, लेकिन यहां पर जो रो है वो रो की संख्या बड़ा है किससे, तो कॉलम से। ठीक है, हाँ इसमें देखिए लास्ट एक और चर्चा इसमें करते हैं। आई मतलब रो, रो की जो संख्या है एक से लेकर एम तक, और जो जे माने कॉलम, कॉलम का संख्या भी एक से लेकर कहां तक, एन तक। ठीक है, ये जो भी है रो है एक दो तीन लेकर एन तक। अब हम आपको जो मैट्रिक्स में सिखाए, हमने ये सिखाया कि मैट्रिक्स कहते किसको हैं, मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होता है, जब मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट को कैसे दिखाते हैं। अच्छा, मैट्रिक्स के एलिमेंट किस पोजीशन पर बैठा है, पोजीशन मतलब किस रो पर किस पंक्ति में बैठा है ये बताना। ठीक है, अगर ऑर्डर दिया है तो कितना एलिमेंट होगा उस मैट्रिक्स में ये बताए हैं, अगर एलिमेंट है तो क्या क्या ऑर्डर होगा ये बताए हैं। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल लेकर बताते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल के पहले हम एक चीज बताते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन लेते हैं कुछ, क्वेश्चन में दे दिया कि मैट्रिक्स ए है, और ए मैट्रिक्स में मान लीजिए दो पांच उन्नीस माइनस सात पैंतीस माइनस दो पांच बटा दो बारह रूट तीन एक माइनस पांच सत्रह, ये चीज हो गया। अब इसमें अगर आपसे कोई पूछ दे, मान ले पहला क्वेश्चन पूछा कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इसका क्या है, तो क्या ऑर्डर है जी, एक दो तीन, तीन गो रो, कॉलम क्या है एक दो तीन चार, तो ऑर्डर क्या हो गया तीन बाय चार का। मान लेते हैं इसमें कोई पूछ दिया आपको नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए ये गिनने की कोई जरूरत नहीं है, जब आपके पास ऑर्डर है तो बस ऑर्डर को गुना कीजिए और गुना करके लिख दीजिए तीन चौका बारह, बस कुछ नहीं। देख लीजिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, लेकिन ये गिनने का कोई जरूरत नहीं है। यदि आपके पास ऑर्डर है तो उस ऑर्डर को गुना कीजिए और लिख दीजिए, यदि ऑर्डर नहीं दिया है तब तो गिनना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट क्वेश्चन इसमें अगर कोई पूछता है आपके पास कि ए वन थ्री कौन है, इसमें ए वन थ्री कौन है, ए वन थ्री माने पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, तो पहला रो तो ही हो गए, पहला रो माने ऐसे वाला में पहला रो, और कॉलम तीसरा कौन हो गया, एक दो तीन, ये उंगली देखिए इसी के सोझा पहला होगा। अब हम मुझे कॉलम देखना है तो एक दो तीन, मतलब क्या हो गया तीसरा पे कौन आ रहा है, उन्नीस, अभी नहीं गई माइनस पांच, क्या उंगली जहां है उसी के सामने वाला बोलना है, कौन है उन्नीस, तो ए वन थ्री मतलब कौन उन्नीस। अच्छा, अब मान लेते हैं आपको कोई पूछता है ए टू वन, ए टू वन तो ए टू वन माने क्या, दूसरा रो पहला कॉलम, चलिए पहले दूसरा रो भी उंगली रखते हैं, पहला रो सोया हुआ को रो बोलते हैं,
दूसरा रो, अंगुली यहां रख दिए। अब जहां कॉलम गिरेगा, जो कॉलम पूछ रहा है, उस अंगुली के सामने वाला को लेना है कॉलम नंबर एक। तब अंगुली के सामने तो नहीं आएगा ना जी, अब अंगुली भी देखो तो ये 3 5। बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछे, कितना भी होगा, 24 एलिमेंट होगा तो मैट्रिक्स आप लोग बता ही देंगे कि 18 एलिमेंट है तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। अच्छा मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दे दिया है कि मैट्रिक्स के पास ये मैट्रिक्स है 18 एलिमेंट्स तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पॉसिबल ऑर्डर के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसका फैक्टर कर दो। फैक्टर क्या करते हैं जी, 1 × 18, दूसरा तो 18 × 1 भी तैयार है, 2 × 9 तो 9 × 2, 3 × 6 तो 6 × 3, और कुछ नहीं, तो बस इतना 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर मुझे पॉसिबल है। एक बात और, 2 × 9 2/9 और 9/2 दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि 2/9 का मतलब 2 रो 9 कॉलम, 9/2 का मतलब 9 रो 2 कॉलम, ये चीज हुआ। अगर आपको कोई मैट्रिक्स देगा, ऑर्डर लिख लीजिएगा, एलिमेंट लिख लीजिएगा, और एलिमेंट की पहचान भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक 3.1 में आप लोगों को है, ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन तो वहीं से है। अगर एलिमेंट है तो आप ऑर्डर लिख सकते हैं, ऑर्डर है तो एलिमेंट लिख सकते हैं। अब अगर हम एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, एक देखिए, जैसे क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने लिखे हैं कि फॉर ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, तो 3/3 का, लेकिन कैसे, ए आई जे मान एलिमेंट, एलिमेंट लिखना है। कैसे एलिमेंट लिखना है, यदि रो बड़ा है कॉलम से तब ये वाला इस्तेमाल करना है, यदि रो और कॉलम दोनों बराबर है तो ये इससे भरना है, और यदि कॉलम बड़ा है रो से तो ये वाला। तो सबसे पहले हम 3/3 का कोशिश करते हैं मैट्रिक्स लिखने का। मान लीजिए मैट्रिक्स 3/3 का, तो 3/3 का मतलब 3 गो रो और 3 गो कॉलम। तो चलिए रो के A11 पहला, क्योंकि कोई भी चीज स्टार्ट होगा पहला, फिर A12, फिर A13, फिर A21, A22, A23, फिर A31, A32, फिर A33। बोलिए 1 2 3 कै गो रो हुआ जी, 3 गो रो हुआ। कॉलम कै गो, 1 2 3, 3/3, यानी 9 एलिमेंट होगा 3 ऑर्डर का बस। अब मुझे ये इस्तेमाल करना है, देखिए एलिमेंट को कैसे भरना है, तो जब आई बड़ा होगा माने रो बड़ा होगा तब तो ये लिखना है, जब दोनों बराबर होगा तो i² + j²। अब इस दोनों में देखिए कि ये दोनों बराबर है कि नहीं, बराबर है, तो जब ये दोनों बराबर है तब हम इस तीनों में से कौन इस्तेमाल करेंगे, ये वाला, तो i² माने 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, क्या कि i और j यहाँ 1 1 है, यहां पर कौन बड़ा है, j बड़ा है, तो j बड़ा माने नीचे वाला, तो क्या है i + j/2 माने 1 + 2/2। फिर क्या 1 3, कौन बड़ा है, बाद वाला नहीं, जे, तो जे वाला भी इसके लिए 1 + 3/2। आई जे यही होगा, ये नहीं कि 1/i j ये हो गया तो सब में वही होगा, नहीं। अब यहाँ 8 2 1, तो ये बड़ा है कि ये 2 बड़ा है, 2 माने आई बड़ा है, तो आई के लिए ये 2 1 में हो गया, ये बड़ा है, 2 2, दोनों बराबर हो गया, तो बराबर के लिए i² माने 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, 2 3 माने जे बड़ा हो गया, जे के लिए है 2 + 3/2, फिर आते हैं 3 1 माने 3 वाला बड़ा हो गया, 3 - 1/2, फिर 3 2 माने यही बड़ा है जी, यही बड़ा है जब यही, तो 3 - 2/2 और 3 3 माने दोनों बराबर है, 3 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर,
अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ए बराबर क्या हो गया, वन 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 का स्क्वायर प्लस वन टू, थ्री बाई टू फोर बाई टू माने टू, दो में से एक गया एक बटा दो, दो दूनी चार, दो दूनी चार आठ, तीन प्लस दो पांच बटा दो, तीन माइनस एक दो बटा दो माने एक, तीन में से दो गया एक बटा दो, तीतरी तीन के दो तीन, तीतरी का नौ दो अठारह, कितना बाई कितना का हो गया, तीन बाई तीन का। एक और क्वेश्चन लेते हैं। आते हैं क्या है जी, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ऑफ तीन बाई दो सच डेट ए आई जे बराबर मॉडुलस आई माइनस टू जे बटा टू। मॉडुलस का मतलब तो जानते ही हैं, माइनस को भी प्लस कर देता है। अच्छा, इसमें मेरे पास केस था कि जब रो बड़ा होगा तो ये लेना है, दोनों बराबर है तो ये लेना है, जब दोनों बराबर जे बड़ा है तो ये लेना है। लेकिन इस सर्वहारी मैंने कोई भी रो हो कोई भी कॉलम हो डायरेक्ट इसमें भरिए और लिख दीजिए। किस ऑर्डर का लिखना है बाबू मुझे, तीन बाई दो का। तो सबसे पहले तीन बाई दो का में लिखिए, तीन बाई दो माने तीन गो रो दो गो कॉलम, ए वन वन ए वन टू, फिर ए टू वन ए टू टू, फिर ए थ्री वन ए थ्री टू। बोलिए कै गो रो हो गया, एक दो तीन, कै गो कॉलम, एक दो तीन बाई दो। अब मुझे जो लिखना है ए वन वन, तो ए वन 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 पहले हम निकाल लेते हैं तब इसमें रखेंगे, पहले यहां से निकाल लेते हैं ए आई जे वन वन आई वन माइनस दू जे, जे मैंने वन दू गुना एक दू बटा दू, तो कितना हो गया हो माइनस एक बटा दो, माइनस एक बटा दो का मॉडुलस कितना होता है एक बटा दो, फिर मेरे जो ए वन टू की जरूरत है तो एक माइनस दू, देखिए ये दो ये दो और ये जे वाला दो, तो दो दूनी चार, माइनस चार में से गया माइनस तीन बटा दो, लेकिन मॉडुलस का क्या काम है, तू माइनस रहो या प्लस, जब हम हटेंगे तो प्लस के साथ हटेंगे, ए टू वन टू वन आई माइनस टू जेड, तो आई के जगह टू और जे के जगह दो गुना एक माने एक हो गया बटा दो, तो दो में से दो गया तो ऐसे ही जीरो। ठीक है, अब आइए टू वन के बाद टू टू आई माइनस टू जे, तो दो दूनी चार बटा दो, तो माइनस दो बटा दो माइनस एक, माइनस एक का मॉडुलस एक, फिर ए थ्री वन आई माइनस टू जे ना जी, तो तीन माइनस दो गुना एक बटा दो, तीन में से दो गया एक, एक बटा दो और एक बटा दो का मॉडुलस क्या होगा जी एक बटा दो, फिर ए थ्री टू तो तीन माइनस टू जे है, देख लीजिए आई माइनस टू जे, तो आई के जगह तीन माइनस टू जे, जे के जगह कितना दो, दो दूनी चार बटा दो माइनस एक बटा दो, तो माइनस एक बटा दो माने क्या प्लस एक बटा दो। अब जो अपना है लिख दीजिए, जगह भरते हैं किस चीज का, वन वन का एक बटा दो, वन टू का थ्री बटा टू, फिर क्या है टू वन का जीरो, टू टू का वन, थ्री वन का एक बटा दो, थ्री टू का एक बटा दो, हो गया तीन बाई दो का खत्म, कोई दिक्कत। तो मैट्रिक्स ये अपना कंप्लीट मैट्रिक्स हुआ। तो मैट्रिक्स के लिए मुझे एलिमेंट की जरूरत है, ऑर्डर की जरूरत है, और इस ब्रैकेट में कीजिए चाहे स्मॉल ब्रैकेट लेके अरेंजमेंट कीजिए। तो आज हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़े फर्स्ट डे, कल से हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बोर्ड पर बनाया हुआ सेंड करें, और कल जो हम लोग चलेंगे वो रहेगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इसके बारे में बताएंगे, और कल से थोड़ा स्पीड भी रहेगा। और किसी को भी समझ में ना आई होगी चाहे दिक्कत होगा, चाहे कहीं के भी आप स्टूडेंट हो, पूरे बिहार के या पूरे इंडिया के आप लोग हों, मेरा व्हाट्सएप नंबर इसी के नीचे रहेगा, कॉलिंग नंबर भी आप कॉल भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप से मेरे से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे वो बिहार के हो, चाहे मेरे पास पढ़ते हों चाहे ना पढ़ते हों, चाहे बिहार के हों चाहे किसी भी स्टेट के हों, क्योंकि इस विकट रूप में शिक्षक ही एक
शिष्य को अपने एक विद्यार्थी को मदद कर सकते हैं जिससे आपकी लाइफ समझ सकती है, आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। थैंक यू।